ये अपना भारत है। और उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने ये भारत को समझा, ये भारत को बाबा साहब अंबेडकर की समझ थी, मौतों को नहीं थी। उस समय के बड़े बड़े विद्वान भारत को नहीं समझते थे, आज भी कुछ विद्वान हैं जो नहीं समझते भारत को, ये आज की सच्चाई है। पर बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान जो दिया ये विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने बहुत दफा कहा आपकी मीटिंग में कि मैं एक अफ्रीका की, राजेश भाई मैं एक अफ्रीका की राष्ट्रपति से मिलने गया, मैं केंद्र में मरती था, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई हुई थी। मैंने सोचा ये मेरे खाते में आई, तो मैंने उनसे पूछा ये बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो आपने लगाई है क्या मेरे खाते में लगाई है? उन्होंने कहा ये फोटो हमेशा मेरे ऑफिस में लगी रहती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के समित बनाए हुए संविधान से हमने प्रेरणा ली, हमने उस संविधान की नकल करी। बहुत सारे देशों ने जो बाद में आजाद हुए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नकल करी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम सब कुछ कह लें, पर सबसे बड़ी चीज है उनके सामने क्या चुनौती थी, कितनी बड़ी चुनौती थी और उनकी सोच क्या थी। हम इसको इस सोच का अंदाज हमें लगा रहे हैं। जो विश्व में उनका सम्मान होता है ये केवल एक किताब का संविधान का सम्मान नहीं होता, पर उनकी सोच का सम्मान ये हमें समझनी है। और जब तक हम इस संविधान के रक्षक नहीं बनेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान बना लिया, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी सोचा था कि सौदे की सरकार भी बन सकती है? इसका कोई प्रावधान नहीं था सौदेबाजी का, कि बाबा साहब अम्बेडकर में वो मूल्य थे, वो सामाजिक मूल्य थे, वो सोच ही नहीं सकते थे कि सौदे की सरकार बन जाएगी। और सौदे की सरकार बन, तो आज अगर हमारा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो कैसा हम देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे? इतनी जातियां, इतने धर्म, आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, कितनी जातियां, कितने धर्म हैं, सब भाईचारा से रहते हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति की जड़ बाबा साहब अम्बेडकर ने समझते थे। हमारे देश की संस्कृति हजारों साल से जुड़ने की संस्कृति रही है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, समाज में सबको जोड़ने की, ये अपने देश की संस्कृति है। और यही संस्कृति कांग्रेस की संस्कृति है। आज इस संस्कृति पर भी हमला हो रहा है, ये संस्कृति पर हमला हो रहा है। आज चुनौती हमारे सामने आज की नहीं है, हम कैसा भारत, कैसा प्रदेश आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, उसके रक्षक आप हैं, कि हम इस संस्कृति को कैसे जीवित रखें, यह आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम बात कर लेंगे, कार्यक्रम कर लेंगे, पर आपका भी तो कोई दायित्व है, समाज भी दायित्व है कि कैसा भारत आप सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को। एक बटा हुआ भारत आज क्या हो रहा है, हिंदी का विवाद चल रहा है तमिलनाडु में, अग्रणी अखबार में हिंदी का विवाद चल रहा है, तमिलनाडु में, पंजाब में फिर से खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है, ये आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, कल जाति के आधार पर बांटेंगे, ये जाति के आधार पर बांटेंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर एक आवाज नहीं तो बड़ी ऊंची आवाज होती है, बड़ी मजबूत आवाज होती है, ये आवाज को कैसे बांटा जाए, ये आज हम सबके सामने चुनौती है। और उसके रक्षक आगे आने वाली पीढ़ियों के रक्षक आप हैं। जब तक आप ये नाम अपना कर्तव्य नहीं मानेंगे, आपका समय तो कट जाएगा और आप छोड़ के क्या जाएंगे, आप छोड़ के कौन से सामाजिक मूल्य, छोड़कर कौन सी संस्कृति आप छोड़ के जाओगे, ये भी सोचने की बात है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, आज की जिम्मेदारी तो है, पर भविष्य की रक्षक भी जिम्मेदारी आपकी है।
अभी निलोटिया जी कह रहे थे इलाज की बात। राजेश भाई एक बात बता दूं, सभी लोग बैठे, छिंदवाड़ा एक जिला था देश भर में जहां एक घंटे ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। सही बात है, जहां किसी को इंजेक्शन की कमी नहीं रही। मुझे तो दूसरे जिलों में बांटना पड़ा और आज मैं खुल के बात भी कह दूं, ये सब जिलों को पता चला, मुझे फोन करने लग गई। बाकी को तो छोड़िए, शिवराज सिंह जी ने, ये मीडिया वाले सुन लीजिए, शिवराज सिंह जी ने फोन किया कि आप जो छिंदवाड़ा में कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए भी कर लीजिए, हमें सिलेंडर की आवश्यकता है। छिंदवाड़ा में किसी को इंजेक्शन की कमी थी? कोई इंजेक्शन की कमी थी? नहीं। कोई ऑक्सीजन की कमी थी? नहीं। एक घंटे कमी नहीं रही, नहीं। दिल्ली में रही, दिल्ली में लोग भटकते थे और छिंदवाड़ा में एक घंटे भी ये कमी नहीं रही। छिंदवाड़ा एक जिला अपने देश का था, पर छिंदवाड़ा की पहचान बहुत सारी चीजों में है। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी कि छिंदवाड़ा की एक पहचान बनी। आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है और बहुत सारा रास्ता तो हमने काट लिया, आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मुझे चिंता है, मुझे चिंता है आज के नौजवानों की। आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। ये नौजवान हमारे छिंदवाड़ा के हुए, मध्य प्रदेश के हुए, ये निर्माण करेंगे भविष्य का, हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? शिवराज सिंह तो घोषणा करते हैं, हर 3 महीने घोषणा करते हैं 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। शिवराज जी ये झूठ से तो आप बाज नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, 5 महीने बचे हैं, आप जितना झूठ बोलना बोल लीजिए, पर शिवराज जी जो आज रिक्त पद है उनको तो भर दीजिए, हमारे SC ST से भर दीजिए, ये रिक्त पद है इनका प्रमोशन कर दीजिए। आपने 3.25 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, 3.25 लाख करोड़ का कर्जा आज अपने प्रदेश पर है, इस कर्जे का ब्याज देने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। पर शिवराज सिंह को चिंता नहीं, मैं तो मांगता हूं उनसे हिसाब, इस 3.25 लाख का आपने किया क्या? आपने क्या हमारे अतिथि शिक्षकों, क्या हमारे आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए लिया? आपने क्या हमारे कमजोर वर्ग के लिए लिया, SC के लिए लिया? आपने जितनी भर्ती करी, ये 3.25 लाख करोड़ रुपए, ये 3.25 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया, बड़े बड़े ठेके दिए, हिसाब दे रहे, बड़े बड़े ठेके दिए और 25% जो एडवांस देते हैं ठेके के बाद, उससे अपनी कमीशन निकाल ली, तो योजना जायदाद। ये समझने की बात है, आज हमारा प्रदेश कहां घसीटा जा रहा है? 1 बेरोजगारी में, 1 भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, हमारे पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी हुई है। और ये कहते हैं निवेश आएगा, कोई निवेश लगाएगा जो प्रदेश 1 हुए भ्रष्टाचार में? आज हमारे महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश 1, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आज किसानों की कौन सी समस्या नहीं है? किसान जो भटक रहा है, ये छिंदवाड़ा का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में कोई पैसा हो। छिंदवाड़ा की तो बात छोड़िए, क्योंकि यहां तो सब कुछ डरते हैं, पर कैसे दूसरे जिलों में खाद और बीज के लिए भटकना पड़ा? शिवराज सिंह जो झूठ बोलते रहे कि कर्जा माफ नहीं हुआ, पर विधानसभा में उनको कहना पड़ा कि 27 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ पूरे प्रदेश में। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है और आज चुनौती है कि हम अपने प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं। किसी उम्मीदवार की या किसी पार्टी की चुनौती नहीं है, ये चुनौती मध्य प्रदेश की भविष्य की है। मध्य प्रदेश का भविष्य बना रहा है, हमारे छिंदवाड़ा जिले का भविष्य भी बना रहेगा, आगे का रास्ता छिंदवाड़ा के लिए बहुत लंबा है। कि छिंदवाड़ा में हमारा मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया,
हमारे यूनिवर्सिटी का काम रोक दिया। छिंदवाड़ा में तो सबसे कम बजट छिंदवाड़ा का होता है, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के सब विधायक कांग्रेस के हैं और आगे भी रहेंगे, वो जानते हैं कि यहाँ का जिला पंचायत भी कांग्रेस का है, यहाँ का महापौर भी कांग्रेस का है, तो इसीलिए बहुत परहेज है उनको। वो छिंदवाड़ा का नाम सुनते हैं उनके पैर फूलने लग जाते हैं। पर शिवराज जी, 5 महीने में बचे आपके, 5 महीने में आप जितनी घोषणाएं करनी है, 22,000 घोषणाएं तो आपने कर दी, पर जितनी और घोषणाएं कर लीजिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार है, उन्होंने पहचान लिया आपकी कलाकारी, पहचान लिया है। हमारी बहनों के बारे में आपने 18 साल की सोचा, आज जो आप घोषणा कर रहे हैं आखिरी 5-6 महीनों में, आपने 18 साल की सोचा। आपने अब चुनाव जीतने के लिए जहाँ जाते हैं नारियल जेब में रखते हैं, नारियल फोड़ देते हैं, ये शिवराज सिंह जी है। और अच्छी बात तो ये है कि सब ने इनको पहचान दिया। मैं जिले जिले में दौरा कर रहा हूँ, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि शिवराज सिंह जी का समय अब समाप्त हो गया है। अब ये शिवराज सिंह जी भी समझ रहे हैं, ये न सोचे शिवराज सिंह जी भी समझ रहे, वो भी समझ रहे हैं, पर सब अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हैं, राजनीतिक आखिरी सांस लेना चाहते हैं, ले लें। मध्य प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी। क्या है जो करना था बर्बादी कर ली थी, आपने बर्बादी कर ली, आगे बर्बादी का आपका मौका नहीं मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।